हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेशल पार्सल ट्रेन जो कि सूखी मिर्च लेकर गई है, भारत से किस देश के लिए चलाई गई? तो फ्रेंड्स, ये चलाई गई है पहली बार बांग्लादेश के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बाई रोड पहले भेजा जाता था, लेकिन अब ये स्पेशल ट्रेन के द्वारा इसको भेजा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से ये ट्रेन चली थी और बांग्लादेश के एक जिले तक ये गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रोको टोको मुहिम किस राज्य से संबंधित है? तो रोको टोको मुहिम जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। मास्क लगाने के लिए रोका टोका जाएगा लोगों के लिए, तो उसी से ये संबंधित है। मास्क दिए जाएंगे, जो लोग सार्वजनिक जगह पर मास्क नहीं लगाएंगे तो उनके लिए है ये मुहिम, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में BCCI की CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हेमांग अमीन को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद हेमांग अमीन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में ईरान के साथ किस देश ने सुरक्षा एवं इंटेलिजेंस डाटा, ये टाटा नहीं है, ये डाटा है, डाटा आदान प्रदान सहित कई समझौते किए हैं? तो ये किए हैं चीन ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी है काफ़ी दिनों से, तो उसका फ़ायदा चीन ने उठाया और चीन ने अब ईरान के साथ कई सारे समझौते कर लिए हैं, लगभग $400 बिलियन के 25 साल के लिए। तो उसी से संबंधित है ये, और ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चीन और ईरान के बीच में ये सुरक्षा और इंटेलिजेंस डाटा आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार किस वर्ग को SC ST के समान छूट देने की संतुति की गई है? तो फ्रेंड्स, ये वर्ग है दिव्यांगजन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दिव्यांगजनों को भी SC ST की तरह जो भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जैसे स्कूल हो गया या नौकरी हो गई, उसमें छूट देने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे F1 वीज़ा किस देश द्वारा जारी किया जाता है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, F1 वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और ये USA के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में इसको बंद किए करवाया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो F1 वीज़ा आप याद रखिएगा, US के द्वारा जारी किया जाता है और ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो वीडियोस नहीं आ रही है, टेस्ट सीरीज चलाई गई थी, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो डालने में मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, सीधी बात है ये। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक करेंगे, अपना प्यार देंगे, तो आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।